इसी के साथ समय हो गया है उत्तर प्रदेश की खास खबर का। चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नगर पंचायत बीबी नगर के चेयरपर्सन के खिलाफ नगर पंचायत के 10 सभासदों ने तानाशाही और उपेक्षा एसटीएससी के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के सभी 10 सभासदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन पत्र दिया है। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि जिसके चलते हम सभी डरे सहमे रहते हैं और एसडीएम साहब से चेयरपर्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं एसडीएम रविन्द्र कुमार ने चेयरपर्सन के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महेश रुड़कीवाल हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ हमें प्रार्थना पत्र और अपना त्याग पत्र देने के लिए आए हैं। वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। उनके जो पुत्र हैं उमेश रुड़कीवाल वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और भाजपा जो कि सत्ता पक्ष के हैं हम पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो कर रहते हैं। तो हमारी जो नगर पंचायत पर अधिकारियों की कुर्सियाँ हैं उन पर बैठते हैं जिनकी वीडियोज़ और फोटोज़ हमारे पास हैं। कई बार अवगत कराने पर चेयरमैन उनको धमकियां देते हैं जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, जिससे हम सभी सभासदगण अपने पूरे होशोहवास में ADM साहब के पास अपना त्याग पत्र देने के लिए आए थे, जो कि उन्होंने हमसे बातें कर उचित कार्रवाई करने के लिए करके और हमें आश्वासन दिया है कि उचित मौखिक रूप से आश्वासन दिया है उन्होंने। ADM साहब से आए हैं क्योंकि हम पिछले 2-2.5-3 वर्षों से हम अपने नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं महेश रुड़कीवाल उनके पुत्र दोनों की मनमानी चल रही है। चेयरमैन साहब हैं उनके पुत्र ही नगर पंचायत को चला रहे हैं, किसी सभासद की कोई बात को नहीं सुन रहे। अगर उनसे कुछ कहो तो SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देते हैं। सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और हमें जनता ने जिसलिए चुना है हम जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए ADM साहब के पास आए थे। DM साहब ने हमें ADM साहब के पास बोला, ADM साहब ने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि हम इसको कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। नगर पंचायत और जनता के हित की लड़ाई जारी रहेगी। ये जो तानाशाही चल रही है नगर पंचायत में चेयरमैन और उसके पुत्र द्वारा नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। यह है कि चेयरमैन साहब जो है किसी की सुनवाई नहीं करते और परेशान करते हैं, जनता हमें परेशान करती है। हम उन्हें क्या जवाब दें, मैं क्या कुछ काम नहीं हो रहा गली मोहल्ले में, गौशाला सही से नहीं हो रही है, गाय बहुत मर रही है वहाँ पर, इसलिए हम अपना इस्तीफा देने के लिए आए थे और उन्होंने मना कर दिया।